बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मई की 7 तारीख है, हफ्ते का दिन है, शाम के 8 बजे हैं, पिंडी की एक सुहानी शाम, आपसे हम कलाम हैं। ईद का रश ख़त्म हो चुका है, 3-4 दिन हमने कोई वीडियो नहीं डाली। उसकी वजह ये थी कि मेरा सारा स्टाफ छुट्टी भी था, मैं ख़ुद भी छुट्टियां मनाने चला गया अपने ज़मीनों पे, जो कि यहाँ से 1.5 घंटे की ड्राइव पे है, और अंगूरी में मेरी ज़मीनें हैं, तो वहाँ से अभी मैं ड्राइव करके आ रहा हूँ। और आपकी जो है ना वो ख्वाहिश थी कि मिज़ान बैंक के बारे में कुछ कहूँ, तो आज मैं मिज़ान बैंक के बारे में कुछ कहता हूँ। तो बहरहाल मिज़ान बैंक के ऊपर हम 2 वीडियोस पहले कर चुके हैं, अब ये 3री वीडियो है। तो दोनों वीडियोस का जो है ना क्या कहते हैं लिंक मैं अपने स्क्रीन पे दे रहा हूँ, ताकि आपको कोई एक अंदाज़ा हो जाए कि ये मिज़ान बैंक के बारे में मैंने क्या कहा। बहरहाल आते हैं मिज़ान बैंक की तरफ। फ्राइडे के दिन मार्केट कोई 400 पॉइंट्स माइनस थी, मगर मिज़ान बैंक भी ने भी परफॉर्म अच्छा किया, 137.24 पे बंद हुआ, सिर्फ 2.91 माइनस हुआ। इसके मतलब कि मिज़ान सिर्फ 3 रुपए नीचे गिरा है। हाई और लो मैं बता देता हूँ, हाई 140 लगा, लो 140 लगा, वो भी लो 136 तक चला गया, और 5,304,480 शेयर, मतलब 53,04,483, मतलब देखिए काफ़ी ज़बरदस्त जाता है, और इसका 52 वीकल रेंज बाउंड भी बड़ा अच्छा है। इसके प्रोफाइल सब मैं बता चुका हूँ, मैं आपको वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। जो मैं आप बात बनाना चाहता हूँ कि इसने 25 अप्रैल को एक अनाउंसमेंट किया। देखिए 25 अप्रैल की अनाउंसमेंट है, इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स दिए इसने 31/3/2022 के, और 17.5% इसने इंटरिम डिविडेंड दिया है, जो कि इसका बुक क्लोजर 9 मई से लेके 11 मई तक, मतलब कि मंडे को ये फिर जो है ना XD खोलेगा। मगर जो यहाँ अगर आप मैं आपको दिखाऊँ तो इसका स्टडी पे आउट देखिए, कि पिछले साल के पे आउट देखिए, 15% फाइनल डिविडेंड दिया, फिर 15% डिविडेंड दिया, उसके बाद फिर इसने 15% डिविडेंड और 15% बोनस शेयर्स, और फिर उसने 15% इंटरिम दिया। तो अब आप देखिए कि ये इसका स्टडी पे आउट है, और ये इसको मैं कहता हूँ दिस इज़ अ जायंट अमंग बैंक्स। इसके फाइनेंशियल रेशियोज बहुत अच्छे हैं, अर्निंग पर शेयर्स मैं फिर शेयर कर देता हूँ। इसके जो अर्निंग पर शेयर है राउंड 17.43 है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अच्छी है। बहरहाल मैं आपको अब नए तर्ज से अपनी वीडियोज़ दूंगा, कि आपको बोर नहीं करूँगा, मैं सीधे आ रहा हूँ अपने फाइनेंशियल एनालिसिस पे। मेरा फाइनेंशियल एनालिसिस ये है कि देखिए मंडे को मार्केट जब खुलेगी तो ये XD खुलेगा, और XD बल्कि खुल चुका है, इसको यहाँ बाइंग रेंज में है, 135-137 के दरमियान कहीं भी मिले इसको पकड़ लीजिए और होल्ड कर लीजिए। ये मेरा फेवरेट बैंक है अमंग द इन्वेस्टमेंट बैंक्स, अमंग द कमर्शियल बैंक्स, अमंग द इस्लामिक बैंक्स, एंड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैंक। इसकी जो इक्विटी प्रोफाइल बताता हूँ, तो इसकी इक्विटी प्रोफाइल भी मैं 223 बिलियन है, तो मतलब इसकी कैपिटलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर इसका देखिए फ्री फ्लोट कम है, इस वजह से पकड़ने की कोशिश करें। एक दफ़ा फिर मैं दोहरा देता हूँ, इसको आप फौरन 132 और 135 के रेंज में अगर आए तो गनीमत समझ के रख लीजिए। उम्मीद है आपकी छुट्टियाँ अच्छी गुजरी होंगी, हम भी अब छुट्टियों से वापस आ गए हैं, आपके आरा के मुंतज़र हैं। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आपके दमखम से हमारा चैनल चल रहा है, प्लीज़ हमारे सब्सक्राइबर बेस बढ़ा दीजिए। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। वस्सलातु वस्सलाम खातमुन नबी।